देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। डरे सहमे और अंधविश्वास में चूर ग्रामीणों ने बना डाला कोरोना माता का मंदिर, लगती है श्रद्धालुओं की भीड़। ही मचा रखी है, वही प्रतापगढ़ में कोरोना से कुछ लोगों की मौत के बाद ग्रामीण इतना डर गए कि उन्हें अंधविश्वास में कोरोना माता का मंदिर बना लिया। कोरोना माता मंदिर में दोनों समय होती है पूजा, भक्तों की लगती है भीड़। देखिए कोरोना माता पर खास खबर, देखिए और सुनिए कोरोना से डरे राधे श्याम वर्मा ने क्या कहा। तो क्या उद्देश्य रहा है और इस तरीके कोई माता तो होती नहीं? नहीं, माता तो नहीं होती है, उद्देश्य यही है हम लोगों का। जैसे पहले सुना है कि चेचक माता का नाम आया, जिससे ये चेचक माता शीतला माता के ऊपर लाया गया है। इसी तरह लोकेश श्रीवास्तव, दीपमाला श्रीवास्तव और राजीव रतन तिवारी, राधे श्याम वर्मा, छेदीलाल विश्वकर्मा, दिलीप विश्वकर्मा, सभी गांव के लोग बैठे हुए, बातचीत हुई। उसके बाद ये हुआ कि चलो आ जाओ, माता रानी का स्थापित किया जाए, ताकि जो लोग भयभीत हैं वो हैं, इनका पूजन किया जाए। पूजन करने से हो सकता है माता रानी के कृपा हो, जे सब सुरक्षित रहें, सारे गांव वासी सबको। कब आपने मंदिर बनवाया? मंदिर इसको बनवाए आज 2 दिन हो गया। किस तरीके से पूजन पाठ? पूजन पाठ उसी तरह जैसे हर देवी देवता का किया जाता है, उसी तरह जो है इनका भी पूजन पाठ किया जा रहा है। क्या नाम? राधे श्याम वर्मा। अंधविश्वास के चक्कर में प्रतापगढ़ में जिले में स्थापित हुई कोरोना माता की मूर्ति, मूर्ति के ऊपर लिखा गया विश्व का एकमात्र कोरोना माता मंदिर। गांव में 3 लोगों की मौत के बाद सहमे ग्रामीणों ने बना लिया मंदिर और दोनों समय हो रही है पूजा और आरती। कृपया दर्शन से पूर्व मास्क लगाएं, हाथ धोएं, दूर से दर्शन करें, वरना इतना ही नहीं एक तरफ लिखा गया कृपया सेल्फी लेते समय मूर्ति को न छुएं, तो दूसरी तरफ कृपया पीले रंग का ही फूल, फल, वस्त्र, मिठाई, घंटा आदि चढ़ाएं। मंदिर पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं ग्रामीण और लगा रहे कोरोना माई की जय। सांगीपुर इलाके के जूही शुकुलपुर में बनाया गया है मंदिर। कैसे दर्शन पूजन आप लोग करते हैं? देखिए हमारे एक श्रीवास्तव पड़ोसी चाचा जी हैं, वो आए थे, वो दिल्ली में रहते हैं, तो वो आए थे, हम लोग सब ऐसे बैठे थे सुबह सुबह, ऐसे ही बात होने लगा कि इतना सारा मतलब कोरोना का कहर चल रहा है हमारे देश के ऊपर, क्या करें, इसका समाधान कैसा किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि चलो एक कोरोना माता जी का मूर्ति बनवाते हैं और ला के अपने गाँव में स्थापित करते हैं, क्या पता इससे कोरोना माता के आशीर्वाद से थोड़ा हमारे गांव को, हमारे गांव के रहने वाले सभी को या और जो भी हैं सबको राहत मिले, ये श्रद्धा और विश्वास से लाके। कैसे पूजा पाठ करती हैं आप? पूजा पाठ कैसे, सुबह जैसे नहाते धोते हैं, नहा धो के आते हैं, फिर यहाँ पे जल रहता है, उससे हाथ पैर अच्छे से धुल के फिर आते हैं, माता को धूप बत्ती सब जलाते हैं और उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, सब लोग मिलकर आरती करते हैं, जैसा सभी देवी देवताओं का पूजा किया जाता है वैसा इनका भी पूजा किया जाता है, एक साधारण तरीके से, इनका कोई अलग तरीका नहीं है पूजा करने के लिए। कोरोना से कितनी मौतें हुई आपके गांव में? क्या इसी खौफ के नाते आप लोगों ने मंदिर बनवाया? जाहिर सी बात है सभी हाहाकार मचा हुआ है, सभी दहशत से पीड़ित हैं, सबके अंदर बच्चे बूढ़े सबके अंदर डर बसा हुआ है, घर में कैद होके रह गए हैं, इसी डर से हम लोग ने सोचा कि लाओ कोरोना माता को अपने गांव में स्थापित करते हैं, क्या पता उससे माता खुश हो, उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे गांव के ऊपर।